स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए हम मॉडर्न हिस्ट्री, देखिए ये स्टार्टिंग वाला पोर्शन है, आज से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे हमने मॉडर्न हिस्ट्री का एक वीडियो अपलोड किया था बट उसमें कुछ प्रॉब्लम थी तो वो हमने डिलीट कर दिया। तो चलिए विश्व की घटनाएं और भारत पर प्रभाव और पुनर्जागरण हमें देखना है, ये हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। हम देखिए आगे चल के पूरी जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो आपके सिलेबस के हिसाब से कवर करेंगे। वैसे ये जो हम मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे हैं वो यूपीएससी और स्टेट पीएससी को क्या करते हैं, स्टेट पीएससी के सिलेबस को पूरा तरीके से क्या करती है, कवर करती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमें देखना है विश्व की घटनाएं और भारत पर प्रभाव और पुनर्जागरण। देखिए जब 13 से 15 शताब्दी के बीच का जो टाइम पीरियड था उसमें 13 से 15 शताब्दी के बीच में क्या होता है, इसमें यूरोप में आधुनिक विश्व की क्या रखी जाती है, नींव रखी जाती है, जिसमें महान आंदोलन पुनर्जागरण की क्या होती है, शुरुआत होती है। इसी आंदोलन में क्या होता है, एक शब्द उभर कर आता है, मनुष्य एवं मानववाद। मनुष्य इंसान तो आप जानते हैं लेकिन मानववाद का विचार जो था वो क्या था, ये आप सुन लीजिए। मानववाद का विचार जो था उसमें ये कहा गया था कि परलोक की बजाय आप इस लोक पर, और विवेक पर क्या दिया गया था, बल दिया गया था, यानी परलोक की बजाय इस लोक पर तथा आस्था के बजाय विवेक पर क्या दिया गया था, बल दिया गया था। क्या, आस्था के बजाय विवेक पर, और इस परलोक की बजाय इस लोक पर क्या दिया गया था, बल दिया गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसी आंदोलन की कड़ी में क्या हुए थे, काफ़ी सारी भौगोलिक खोजे हुए थे, धर्म सुधार के लिए आंदोलन चलाए गए थे, और धर्म के योगदान के लिए राज्यों ने क्या किया था, अलग अलग उसमें क्या दिया था, बल दिया था। और इसी उसमें क्या है, तभी जब ये 13 से 15 शताब्दी का टाइम पीरियड चल रहा था तो उसमें क्या हुआ था, बौद्धिक आंदोलन भी हुए थे, जिसमें आधुनिक विचार क्या है, उभर कर आए थे। आधुनिक विचार में क्या उभर कर आए थे, व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता, न्याय, उद्यमिता, ये सारे विचार क्या है इसी कड़ी में उभर कर आए थे। और इसी में क्या है, वैज्ञानिक क्रांतियाँ भी हुई थी। वैज्ञानिक क्रांति में जैसे कॉपरनिकस और गैलीलियो जैसे वैज्ञानिक खोजों ने क्या है, यूरोप वासियों को नए नए तरीकों से सोचने पर क्या कर दिया था, मजबूर कर दिया था। यानी पहले जो लोग थे वो सिर्फ क्या है, ऐसी नॉर्मल चीज़ें क्या किया करते थे, सोचा करते थे, लेकिन जब कॉपरनिकस और गैलीलियो ने अपनी थ्योरी दी तो जो यूरोप वासी थे तो वो क्या है, अलग अलग चीज़ों पर सोचने में क्या हो गए, मजबूर हो गए। आगे की हम घटनाएं देखते हैं। आगे की घटनाओं के प्रभाव को जानने के लिए दुनिया में क्या हुई, एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जिज्ञासा का मतलब है कि जानने की इच्छा क्या हुई, लोगों में उत्पन्न हुई। तो 15 से 16वीं शताब्दी के बीच एशिया से जुड़ने की क्या होने लगी, यूरोप में नए नए मार्गों की क्या होने लगी, खोज होने लगी। और एशिया और भारत की जब खोज हो रही थी, यानी एशिया और भारत की खोज क्या है, चल रही थी, उसी क्रम में अलग अलग देशों की भी खोज हुई, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनकी भी क्या है, और दुनिया के अलग अलग नए नए क्षेत्रों की जानकारी क्या है, होती चली गई और खोज होती चली गई। तो यह क्या थी, अहम खोजें भी थी। ये चीज़ हमने देख ली कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई। तो उसके बाद देखिए जो लोगों को अलग अलग जानकारी होती चली गई, ये भी क्या थी, एक अहम घटना थी। लोग इसमें क्या है, एक दूसरे से जानने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें एक साथ एशिया, अमेरिका, अफ्रीका और यहाँ तक कि पूरे यूरोप को इसने क्या कर दिया था, बदल डाला था, क्योंकि नए नए मार्ग इसमें क्या किए जा रहे थे, खोजे जा रहे थे। इन खोजों में जो मनुष्य था उसे भी क्या है, पूरे तरीके से बदल दिया गया था, मनुष्य को पूरे तरीके से बदल दिया गया था। और इन्हीं खोजों में क्या हो, एक चीज़ कही गई कि जो अब ये दुनिया है वो क्या हो गई है, छोटी हो गई है। मतलब क्या था कि इसी टाइम पे नई नई खोजें हो रही थी, लोग जो थे वो चीज़ें क्या है आगे की ओर जान रहे थे, देख रहे थे, तो इसमें जो चीज़ें थी वो क्या हो रही थी, पूरी अलग होती चली जा रही थी। तो इसीलिए ये चीज़ कहा गया है कि जो दुनिया थी वो पूरी छोटी होती चली जा रही है। तो भौगोलिक खोजों का जो प्रभाव था वो सीधी सी बात है, वो क्या होगा, भारत भी पड़ेगा। तो इसी उसमें भारत में क्या है, बहुत सारी अलग अलग जो यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियां थी वो क्या होने लगी, भारत में आने लगी, और धीरे धीरे वो क्या है, भारत में बसना चालू हो गई।
उसके बाद 18वीं शताब्दी की जब 18वीं शताब्दी में जब हमारे टाइम में राजाओं का काल था, तो 18वीं शताब्दी में जब राजनीतिक हमारे देश में कमजोरियां होने लगी, शक्ति संघर्ष होने लगे, तो इसमें क्या है, यूरोपीय कंपनियां जो थी उन्होंने क्या है फ़ायदा उठाया। और ये चीज़ हम देखेंगे कि भारत में जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जिन्होंने राज किया वो कौन थे, अंग्रेज थे। तो लास्ट में अंग्रेज क्या होते हैं, विजयी होते हैं इस शक्ति संघर्ष में, और उन्होंने वो क्या करते हैं, अंग्रेजी राज की स्थापना करते हैं। उसके बाद चलिए हम देखते हैं अगला, नए मार्गों और भौगोलिक खोजों के कारण, कि जो नए नए मार्ग खोजे जा रहे थे, जो भौगोलिक खोजें हो रही थी, आखिर उनके कारण क्या थे, किन कारणों से जो ये भौगोलिक खोज थी वो हो रही थी। तो देखिए पहला जो है वो क्या है कि, तो अब हम नए मार्गों और भौगोलिक खोजों के कारण देखेंगे। तो देखिए पहले जो कारण था वो यूरोप में उष्णकटिबंधीय चीज़ों की क्या थी, मांग थी। उष्णकटिबंधीय चीज़ों की क्या थी, मांग थी, यानी प्राचीन समय से यूरोप में मसालों, सूती और रेशमी वस्त्र, नील आदि की क्या हुआ करती थी, काफ़ी मांग हुआ करती। इन चीज़ों के बिना जो यूरोप था उसका जो डेली लाइफ थी यूरोप के लोगों की, वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थी, नहीं चल पाती थी। इसका एक ये भी कारण था कि क्या हुआ, भारत की खोज की गई, यानी यूरोप की उष्णकटिबंधीय चीज़ों की मांगों के कारण भी क्या होती है, भारत की खोज पर क्या मिलता है, बल मिलता है। उसके बाद है नवीन वैज्ञानिक खोजें। नवीन वैज्ञानिक खोजों में क्या था, जब पुनर्जागरण और वैज्ञानिक क्रांति हुई थी तभी क्या हुआ था, यूरोप में काफ़ी सारे आविष्कार हुए थे। आविष्कारों में क्या हुआ था, समुद्री कंपास, जहाज की चाल नापने वाले उपकरण, एस्ट्रोलॉब। एस्ट्रोलॉब क्या होता है, ये अक्षांश और देशांतर मापक होता है, और जहाज में त्रिकोण चाल का प्रयोग, बारूद का प्रयोग और बंदूक की खोज, ये सारी चीज़ें नई नई खोज हुई थी जिन्होंने क्या है वैज्ञानिक खोजों को क्या किया, प्रभावित किया, और यूरोप वासियों को भारत की ओर आने पर क्या किया, अग्रसर किया। सॉरी ये दोबारा से वही चीज़ लग गई है, चलिए हम आगे देखते हैं। तो अब ये हमने इंट्रोडक्शन देख लिया कि आखिर क्या चीज़ें थी, क्यों जो यूरोपीय कंपनियां थी वो भारत की तरफ क्या हुई, अट्रैक्ट हुई, उन क्या कारण थे आखिर जो वो कंपनियां थी वो भारत में आई। अब हम यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का भारत में आगमन देखेंगे, तो उसमें देख लीजिए पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनी किस किस उसमें आती है। पहले आते हैं पुर्तगाली, दूसरे आते हैं डच, तीसरे अंग्रेज, चौथे डेंस और फिर फ्रांसीसी। तो अगर आप इसे याद करना चाहें तो PDF के तौर पे याद कर सकते हैं, मतलब PDEDF, पी से पुर्तगाली, डी से डच, ई से अंग्रेज, डी से डेंस, एफ से फ्रांसीसी। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। आगे करके हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले देखिए जो पुर्तगाली आए थे वो पुर्तगालियों का देखेंगे। पुर्तगाली कब से कब तक थे, 1498 से 1961 थे। ये शॉर्ट में आप ये भी याद कर सकते थे कि पुर्तगाली जो थे वो सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे, क्योंकि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो जाता है जब अंग्रेज क्या होते हैं भारत छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जो पुर्तगाली हैं वो कब जाते हैं, 1961 में जाते हैं। तो ये चीज़ भी क्या करनी है, आपको याद रखनी है। उसके बाद हम इनके प्रारंभिक अभियान और भारत में इनकी खोज देखेंगे। उसके बाद फिर पुर्तगाली गवर्नरों के अधीन मुख्य बातें देखेंगे क्या क्या थी। उसके बाद पुर्तगालियों की भारत को देन देखेंगे, और फिर समुद्र पर पुर्तगालियों के नियंत्रण की नीति। ये जो चीज़ थी वो क्या थी, काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी, समुद्र पर पुर्तगालियों के नियंत्रण की नीति। अब हम इनका प्रारंभिक अभियान और भारत में स्थापना देखते हैं कि पुर्तगाली जो थे उन्होंने यूरोपीय कंपनियों की स्थापना भारत में कैसे की। तो पुर्तगालियों ने भारत में जब वो लोग आए तो उनमें क्या थी, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी स्टार्टिंग में जब वो भारत में आए। तो वो हम देख लेते हैं कि आखिर वो घटनाएं जो थी वो कौन कौन सी थी। तो पहली जो घटना है वो लिस्बन है। लिस्बन जो थी वो क्या थी, पुर्तगाल की राजधानी थी। तो लिस्बन से क्या है, केप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका से होते हुए 1498 को जो वास्को डिगामा ही पहला व्यक्ति था पुर्तगालियों की तरफ से जो क्या है भारत आया था। तो सर्वप्रथम कालीकट मालाबार के तट से होते हुए कहाँ पहुँचता है, केरल के तट पर पहुँचता है।
तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों में आने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो कौन था, तो कौन था, वास्को डिगामा था, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो फिर केरल के, जब वो केरल पहुंचता है सबसे पहले, तो केरल के जो शासक थे जमेरिन, कौन थे, जमेरिन, उन्होंने क्या किया, इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्वागत किया और इसे मसाले और बहुत ही सारी कीमती वस्तु खरीदने में भी क्या की, मदद की। तो ये चीज़ है कि ये क्या करता है, मदद करता है, जिससे ये इंडिया से क्या होता है, ये जो वास्को डिगामा था वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, अट्रैक्टेड हो जाता है, यानी भारत की तरफ क्या होता है, आकर्षित होता है ये। उसके बाद क्या करता है, जब इसकी मदद करता है, तो इसी मार्ग से, जिस मार्ग से वो आया था वास्को डिगामा, उसी मार्ग से दोबारा क्या होता है, वो पुर्तगाल लौट जाता है। और जब वो फिर, देखिए ये कारण था कि आखिर पुर्तगाली जो थे वो भारत की तरफ क्यों अट्रैक्टेड हुए, तो मतलब जब उसने यूरोप जाकर उसने जब अपनी पूरी यात्रा का खर्चा बताया, तो खर्चा बताने के बाद जो उसने चीज़ें खरीदी थी उसे जितना मुनाफा हुआ, तो उस चीज़ का उसने जब बताया कि उसने जो चीज़ें खरीदी थी लगभग उसे 60 गुने से भी ज़्यादा क्या हुआ था, मुनाफा हुआ था। तो ये चीज़ क्या करनी है, आपको याद रखनी है। उसके बाद फिर हम अगला पुर्तगाली देखते हैं कि कौन आया था, लेकिन इतना ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट आपके लिए पहला ही है। तो पहला कौन था, वास्को डिगामा, ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो पहला व्यक्ति था जो भारत आया था वो कौन था, वास्को डिगामा। उसके बाद दूसरा व्यक्ति देखते हैं, दूसरा व्यक्ति 1500 AD में आता है, कौन, पेट्रो अल्बेज केब्राल। तो ये है, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाता है। उसके बाद इसके जस्ट एक साल बाद, यानी 1500 AD में पेट्रो अल्ब्रेज केब्राल आता है। उसके बाद 1501 में फिर जो वास्को डिगामा था वो दोबारा से भारत आता है, और उसी वर्ष यानी 1501 में उसने कोचीन में क्या की थी, एक पुर्तगाली फैक्ट्री की क्या की थी, स्थापना की थी, और यही पुर्तगालियों की क्या थी, प्रथम फैक्ट्री भी थी। क्या, प्रथम फैक्ट्री, भारत में उसने प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की, कहाँ की, कोचीन में की। और उस टाइम पे देखिए जो फैक्ट्री हुआ करती थी उसका अर्थ गोदाम हुआ करता था, यानी उस टाइम पे जो फैक्ट्री थी उसका मीनिंग प्रोडक्शन नहीं हुआ करता था, फैक्ट्री में कोई भी चीज़ें नहीं उगाई जाती थी या बनाई जाती थी, वहाँ पे क्या हुआ करता था, उस टाइम पे उसका मीनिंग गोदाम हुआ करता था, यानी वहाँ पर चीज़ों को क्या किया जाता था, रखा जाता था। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद हम चौथी घटना देखते हैं कि क्या थी। चौथी घटना में 1503 और 1504 AD की बात है, पंचेको नाम का व्यक्ति जो भारत आता है उसने कनान्यूर और क्यूलून, जो कि मालाबार तट के किनारे, दो फैक्ट्रियों की क्या करता है, स्थापना करता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप याद रख सकते हैं, नॉर्मल एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, जैसे वनडे एग्जाम वगैरह हैं तो इसमें पूछ लिया जाता है। उसके बाद जो पांचवी घटना है, 1505 AD में पुर्तगाल की सरकार ने भारतीय व्यापार से व्यवस्थित रूप से जुड़ने के लिए, यानी अच्छे तरीके से जुड़ने के लिए, उसने एक कंपनी की स्थापना की। 1505 ईस्वी में पुर्तगाल की सरकार ने, ये चीज़ आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कंपनी ने एक स्थापना की जिसे क्या, किस नाम से जाना जाता है, एस्टाडो डा इंडिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये जो कंपनी थी वो पूरे तरीके से सरकार नियंत्रित थी, लेकिन इसका एक व्यक्ति जो हुआ करता था वो भारत का सर्वोच्च गवर्नर हुआ करता था, और गवर्नर की देखरेख में ये जितने भी कंपनी की जो संधि वगैरह हुआ करती थी, जो विस्तार वगैरह या जो युद्ध, जो भी चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम्स आती थी कंपनी पर, वो सर्वोच्च गवर्नर की देखरेख में हुआ करती थी। उन चीज़ों की देखरेख कौन करता था, सर्वोच्च गवर्नर करता था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पुर्तगाली गवर्नरों के अधीन मुख्य बातें, आखिर कौन कौन सी बातें थी। तो चलिए वो हम पुर्तगालियों के इतिहास अगर हम देख रहे हैं तो हमें उनके गवर्नरों की चीज़ें जाननी ज़रूरी है, क्यों, आखिर क्या, कौन कौन से गवर्नर आते हैं, ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, कैसे क्या चीज़ें, तो चलिए हम देखते हैं। तो जो देखिए पहला गवर्नर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन था पहला गवर्नर, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कब से कब तक था, 1505 AD से 1509 AD तक था। अब इसकी हम कुछ इम्पॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की क्या थी, तो भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, और इसने ब्लू
इसने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति को क्या किया था, जारी किया था। अब आप ब्लू वाटर पॉलिसी को समझ लीजिए, क्या था ब्लू वाटर पॉलिसी का मीनिंग था कि इसमें इन्होंने क्या सोचा कि हम इन्होंने ज़मीन पर कब्जा करने की बजाय समुद्र पर कब्जा करने और व्यापार पर नियंत्रित करना क्या समझा जरूरी समझा, यानी इनका मोटिव जो था वो आगे हम अगले पॉइंट में जैसे देखेंगे कि पुर्तगालियों की समुद्र नीति, तो उसी चीज़ में इनका जो वो था उद्देश्य था, इन्होंने ज़मीनों पर कब्जा नहीं किया, इन्होंने समुद्र पर कब्जा किया। इससे क्या करते थे, जब ये समुद्र पर कब्जा कर लेते थे तो डायरेक्टली इनका कंट्रोल जो होता था वो किस पर हो जाता था, व्यापार पर हो जाता था। और इसी उद्देश्य से इन्होंने अफ्रीका से लेकर भारतीय तट के बीच पूरे पूरे तरीके से क्या कर लिया, नियंत्रण स्थापित कर दिया, पुर्तगाली कंपनियों की क्या कर दी, किलेबंदी कर दी। और जो भारत में जो पुर्तगाली कंपनियां थी इनको क्या बनाया, वर्चस्वशाली बनाया। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी। उसके बाद हमारा जो हमारी जो दूसरी चीज़ है, दूसरे गवर्नर है वो है अल्फासो डी अल्बुकर्क, 1509 से 15 तक थे ये, सेकंड गवर्नर है। इन्हें भारत में इन्हें पुर्तगालियों का क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसमें क्या था, इन्होंने 1510 AD में बीजापुर के जो शासक थे यूसुफ आदिल शाह, उनको क्या कर देते हैं, एक युद्ध में हरा देते हैं और उनसे क्या करते हैं, ये गोवा जो है आज का उसे छीन लेते हैं, और बाद में पुर्तगालियों की गोवा को क्या बना देते हैं, राजधानी बना देते हैं। इनमें इसने देखिए भारत में पुर्तगालियों के बसने और भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए क्या किया, लोगों को प्रेरित किया, यानी जो पुर्तगाल से जो भी लोग आते थे उन्हें ये क्या कहता था, ये भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित करता था, क्योंकि अगर इनकी भारतीय महिलाओं से शादी हो जाएगी तो ये क्या है और भी टाइम तक यहाँ क्या कर सकते हैं, रुक सकते हैं। और अपनी सेना में इन्होंने क्या किया, भारतीयों को नियुक्त किया, और अपने जो क्षेत्राधिक कार ये भी इनकी अच्छी उपलब्धि थी, जो इनका क्षेत्राधिकार यानी जो इनका विजित क्षेत्र था, जितने क्षेत्र को इन्होंने जीता था उसमें इन्होंने क्या कर दिया था, सती प्रथा पर रोक लगा दिया था। और इन्होंने मलक्का क्या थी, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच की एक जल संधि थी, तथा होर्मुज तट कहाँ थी, फारस की खाड़ी पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, और समुद्र में पुर्तगालियों की सामरिक स्थिति को क्या किया, मजबूत किया। उसके बाद हम इनका जो नेक्स्ट उसमें देखेंगे वो विजयनगर के शासकों के साथ इनका संबंध देखेंगे, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए।